अब तक हम सबने सड़क पर दौड़ने वाली कार देखी है। आसमान में कार लेकर उड़ने का हमने सिर्फ सपना ही देखा होगा, लेकिन आने वाले समय में जल्द ही हमारा आपका यह सपना भी पूरा होने जा रहा है। दरअसल चाइनीज टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी XPNG ने अपनी फ्लाइंग टैक्सी का दुबई में परीक्षण किया है। परीक्षण के दौरान कंपनी ने अपनी X2 फ्लाइंग कार की पहली सफल उड़ान भरी। हम इसे ट्रैवल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के विकास में बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं। चीन के ग्वांगझोऊ स्थित XPNG इनके विमानन सहयोगी द्वारा विकसित XPNG X2 दुनिया भर में दर्जनों फ्लाइंग कार परियोजनाओं में से एक है। XPNG एरोहट के महाप्रबंधक मिंगवान क्यू ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धीरे धीरे कदम बढ़ाया जा रहा है। पहले कंपनी ने दुबई शहर का चयन किया क्योंकि दुबई दुनिया का सबसे नवीन शहर है। X2 फ्लाइंग टैक्सी के टेस्टिंग के वक्त कुछ लोगों को उसमें बिठाया गया, जिसके बाद उड़ने वाली टैक्सी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। हालांकि अभी केवल इस कार की टेस्टिंग ही हुई है और इन फ्लाइंग टैक्सियों को किसी भी तरह की सर्विस में लगाए जाने में अभी समय लगेगा। मतलब कि अगर आपको इस हवाई टैक्सी में बैठना है तो कुछ साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक 2 सीटों वाले इस फ्लाइंग टैक्सी की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। यह उड़ने वाली टैक्सी वर्टिकल टेक और लैंडिंग वीटोल क्षमताओं से लैस है। X2 फ्लाइंग कार इंटेलिजेंट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के साथ ऑटोनॉमस फ्लाइट कैपेबिलिटी से भी लैस है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह उड़ने वाली कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है और जीरो कार्बन उत्सर्जित करती है। यह कार बोर्ड पर 8 प्रोपेलर के साथ टेक पर 500 किलोग्राम तक का भार ले जा सकती है। सोमवार को उड़ने वाली कार का प्रदर्शन एक खाली कॉकपिट के साथ आयोजित किया गया था। कंपनी का कहना है कि उसने जुलाई 2021 में एक मानवयुक्त उड़ान का परीक्षण किया। शानदार ढंग से डिजाइन किया गया फ्लाइंग टैक्सी 2 यात्रियों को एक साथ ले जाने में सक्षम है और 8 प्रोपेलर के एक सेट द्वारा संचालित होता है।